हाय एवरीवन, वेलकम टू वी आर स्टूपिड। और गाइस, एक और अमेजिंग सुबह और बहुत सुंदर सनलाइट जो है मेरे सामने है, सनराइज कर रहा है, हल्का हल्का क्लाउडी है और मैं मॉर्निंग में अपनी ग्रीन टी पी रहा हूँ, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। सो गाइस, ये तो मैंने सो कॉल्ड सीरीज़ कह सकते हैं इसको आप, या जो वीडियो कंसेप्ट स्टार्ट करा है, मुझे नहीं पता मैं इसका क्या नाम दूंगा। इनफैक्ट मैं आप लोगों की हेल्प चाहूँगा, यू नो, कुछ बहुत ब्यूटीफुल सा नाम हम दे सकते हैं इसको, जैसे कुछ बातें, या मेरे साथ बातचीत, या टॉक्स विद अक्षय। आई मीन कुछ भी ऐसी चीज़, यू नो, कोई आपके दिमाग में आता है तो प्लीज़ आप लोग जो मेरे सारे व्यूअर्स हैं जैसे देख रहे हैं, वो ज़रूर सजेस्ट करें कि इस अमेजिंग सीरीज़ का हम क्या नाम दे सकते हैं, जो बहुत अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल सा नाम हो। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली उस व्यूअर को अगर सेलेक्ट करता हूँ, अगर ऐसा कोई नाम है तो आई डेफिनेटली नेम एम एंड टेल कि भाई ये हैं जिन्होंने मुझे नाम सजेस्ट किया है। सो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में अगेन एक बहुत अमेजिंग थॉट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है ये। मेरे जेनेसिस प्रोग्राम के बारे में आप सब लोग जानते हैं, अब वो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 38 कंट्रीज़ में है, और रोज़ मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ वर्ल्ड ओवर। तो क्या होता है जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट से बात करते हैं, मल्टीपल एज ग्रुप्स के, मल्टीपल कंडीशंस उनसे वो यू नो गुजर रहे होते हैं, उनके मल्टीपल लाइफ स्टाइल्स हैं, मल्टीपल सिचुएशंस हैं, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में रह रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लोगों के अलग अलग पर्स्पेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग थॉट पैटर्न्स होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनसे बात करने में। नए नए चैलेंजेस आते हैं रोज़, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई, किसी को रिजल्ट स्लो आ रहे हैं, किसी को तेज़ आ रहे हैं, वो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें मुझे सुनने को मिलती हैं जो मुझे लगता है कि आप लोग भी उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होंगे, या आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग से सफ़र कर रहे होंगे। उन्हीं में से एक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट से आज मेरी बात हो रही थी, ऑफकोर्स आई विल नॉट टेल द नेम, नेम कभी भी नहीं बताए जाते। तो वो क्लाइंट को अभी मेरे ख्याल से एक डेढ़ महीने ही हुआ है, उसको रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, एंड उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि सर मुझे रिजल्ट्स को ना एक्सेलरेट करना है, तो कुछ बताइए, कुछ तो होगा। तो मैंने कहा देखिए, आपने अभी स्टार्ट किया है, आपका हार्डली कोई लिफ्टिंग बैकग्राउंड है, यू गेटिंग गुड रिजल्ट्स, जस्ट कंटिन्यू विद दिस। इससे ज़्यादा ठीक है, जो चीज़ें हैं आप या तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, या आप उसे समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह उसे करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यू आर एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेक्निकल प्रोग्राम भी मैं आपको देता हूँ, ठीक है, या कोई और देता है, उससे भी आपको इमीडिएटली कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इट टेक्स टाइम। ठीक है, फिटनेस हो गया, या कोई भी लाइफ में चीज़ हो गई जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, कोई भी चीज़, उसमें टाइम लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व होता है। तो उन्होंने बोला लेकिन सर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत बार सुनने को मिलती है। आप देखेंगे यंगस्टर्स स्पेशली जो इम्पेशेंट होते हैं, ठीक है, और अब तो और ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, लेकिन इम्पेशेंट हो गए बिकॉज ऑफ ऑल द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में स्प्रेड हो रही है, राइट। तो जो इम्पेशेंस है वो नज़र आती है, तो वो पूछते हैं सर कुछ तो होगा, कोई तो शॉर्टकट होगा। और मार्केट में फ्रॉड्स बैठे हैं, आपको पता है, राइट, रात रात में करोड़पति बना देंगे, बैठे बैठे घर से लाखों रुपए कमाइए, 90% 2 महीने पढ़ाई में, 1 महीने पढ़ाई में 90% लेकर आइए, ठीक है, या 3 महीने में आपको, आप इतने थे, इतने में एकदम रिप्ड कर दूंगा आपको, बिल्कुल नेचुरल, कुछ नहीं, यू नो, ऑल दीज स्टूपिड रबिश थिंग्स जो मार्केट में चल रही हैं, ऊपर से उसमें फिर ये मसाला डाल रही है, बॉलीवुड वगैरह वाले एक्टर एक्ट्रेस आया था, तो वो बिल्कुल ही खिचड़ी बन चुकी है। सो यंगस्टर्स पूरी तरह से कन्फ्यूज हो चुके हैं, और उनको जो बेसिक्स थे ना, वो कोई समझाने वाला नहीं है, सारे के सारे लगे हैं कि बस किसी तरह इसको अट्रैक्ट कर लूँ, बाकी देखा जाएगा, क्योंकि बहुत है बेवकूफ बनाने वाले। अब उन्होंने मुझे फिर ये क्लाइंट ने बोला कि नहीं सर कुछ तो होगा, मैंने समझाया देर इज नथिंग, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, राइट। अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस कोई और चीज़ में, मैं आपको दूँ पॉइंट एडवांस प्रोग्राम में कुछ और, तो थोड़ा बहुत आप में फ़र्क आएगा, लेकिन कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, जो चीज़ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है लोगों में, लेकिन फिर वही बात कि कुछ तो होगा। तो मैंने उनसे फिर वही कोई, यू नो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को देता हूँ। लेट्स से आपने क्लास में मार्क्स लेकर आने, अच्छे मार्क्स लेकर आने, आपको 90-95% लाने, तो आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, अब आपको भी पता है नंबर नहीं आएंगे, सबको पता होता है, अंदर सब जानते हैं, राइट। लेकिन मैं क्वेश्चन फिर करता हूँ कि क्या 1 महीने पढ़ के आप 95% मार्क्स ला सकते हैं? अब सरप्राइजिंगली जो उस इंसान का आंसर था ना, उस क्लाइंट का आंसर था, वो बहुत शॉकिंग था। और वो शॉकिंग इसलिए नहीं था कि वो आंसर गलत है, वो इसलिए था कि ये एटीट्यूड मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स में आजकल देखा है, और एक वर्ड उनके माइंड में एंटर कर चुका है जिसको वो समझ नहीं पा रहे और कन्फ्यूज हो गए, और वो उस वर्ड को हर जगह अप्लाई कर रहे हैं एज अ शॉर्टकट, गलत शॉर्टकट। वो क्या है? उस क्लाइंट ने मुझे बोला कि सर एक तरीका है, वो है स्मार्ट वर्क।
एंड आई वॉज लाइक हाउ विल यू डू एक महीने में ऐसा स्मार्ट वर्क के आपके 95% आ जाए, वैसे समझ नहीं आई. लेकिन ही वॉज ट्राइंग टू से नहीं, से स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क है. मैं आप लोगों को क्लियर उसके बाद उनको समझाया, जो मैं आपको समझाऊंगा अगेन. प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइज, इस वर्ड जो है आपका है स्मार्ट वर्क, इसको जिस तरह आप लोग समझ रहे हैं ये उस तरह काम नहीं करता है, किसी भी फील्ड में नहीं करता है. एक चीज़ याद रखना, ठीक है, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू मेक थिंग्स सिंपल. इस चीज़ को दोबारा मैं हिंदी में समझा रहा हूँ. दुनिया में सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है ना, वो होती है किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सिंपल बनाना, क्योंकि उस सिंप्लिसिटी के पीछे बहुत ज़्यादा इनडेप्थ नॉलेज होती है, तभी वो चीज़ सिंपल और सही होती है. अगर इनडेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो वो सिंपल तो होगी लेकिन कंसेप्ट गलत होंगे. ये चीज़ आप लोग नहीं समझ रहे हैं. इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है, आपके जो कोचेज हैं जो आपको हार्ड वर्क करा रहे हैं, आपकी डाइटिशन आपको अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट दे रही हैं, वो बोलती हैं आपको कि हार्ड, या बोलते हैं या बोलती हैं कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए. और दूसरी तरफ कौन से लोग आते हैं जो कहते हैं अरे मैं करा दूंगा, देखो अभी 2 महीने में, अभी 3 महीने में देखो तुम्हारे को मैं बिल्कुल रेब्ड, तुम देखते जाओ, ठीक है. और ये एक फील्ड में नहीं है, जैसे आपने देखा होगा यू नो इंटरनेट पे चल रहा, रात रात में करोड़पति बना देंगे, बैठे बैठे घर से पैसे कमाइए, ट्यूशन सेंटर्स के बाहर लिखा होता है ना गारंटी से 90%, ऑल दीज आर फ्रॉड्स, राइट. प्लीज अंडरस्टैंड, स्मार्ट वर्क से पहले आता है हार्ड वर्क. इस लाइन को याद रखो, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बिना नहीं होता. इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब वो एक लड़के को देखते हैं जो बहुत अच्छा लड़का है पढ़ाई में, मतलब उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है और वो क्लास के टॉपर्स में से आता है, अब ऑब्वियसली वो बहाने बनाते हैं मल्टीपल, लेकिन इंडिविजुअल तरीके से अगर देखा जाए तो सारे क्या देखते हैं, यार ये लास्ट में जब हम लोग पागलों की तरह लगे हुए हैं एक महीने पढ़ने में, ये बंदा बड़ा रिलैक्स लग रहा है, यार ये पैदा इंटेलिजेंट हुआ था, यार इसने कुछ तो, इसको पता है, ये कोई तो घुट्टी बलाई है, या कोई तो जानता है, इसने कोई कुंजी है, कोई ट्यूशन है, कोई गाइड है. सर उसने वो करा है जो आपको करना चाहिए था. वो क्या था, उसने पूरे साल उसने पागलों की तरह हार्डवर्क करा, सब्जेक्ट्स को उसने इनडेप्थ समझा, ठीक है, और कंसेप्ट्स अपने क्लियर करे, और लास्ट के एक महीने में उसे पागलों की तरह, जो जैसे आप पागल रखें, उसे पागल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हार्डवर्क को बहुत ज्यादा कर चुका है. अब वो लास्ट मंथ में स्मार्ट वर्क कर रहा है और आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ स्मार्ट वर्क के, तो पढ़ाई नहीं कर रहा. नहीं सर, वो पढ़ाई कर चुका है, अपने कंसेप्ट क्लियर कर चुका है, तब वो उस कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को अब स्मार्ट तरीके से अपने लिए सिंपल बना रहा है कि उस कंसेप्ट को वो और जो है एग्जाम्स वगैरह में अपने टाइम सेविंग करने के लिए और सब चीज़ों के लिए वो कैसे अप्लाई करें. और आप उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं क्योंकि आपने हार्ड वर्क तो करा ही नहीं, आपने आखिरी के एक महीने में बस पागलों की तरह रट्टा मारने में लग गए और आपको लगा कि कुछ स्मार्ट तरीका होगा, कुछ नहीं है. यही चीज़ फिजिक में आती है आपकी. फिटनेस लाइफ का एक पार्ट होता है. फिटनेस जो है ना, वो कोई शॉर्ट टर्म पीरियड नहीं है या कोई एक एपिसोड नहीं है जो आपकी लाइफ में हो रहा है. ये जो सबसे गलत कंसेप्ट आजकल चला हुआ यही है कि ये बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन कर दो फिर भूल जाओ. प्लीज़ अंडरस्टैंड, जैसे आप सोते हैं, जैसे आप खाते हैं, जैसे आप नहाते हैं, वैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं. जिस दिन आपके लाइफ का एक्सरसाइज या फिटनेस इस तरह से पार्ट बन जाएगा, उस दिन से आपको फिटनेस का रियल मतलब समझ में आ जाएगा, नंबर वन. सेकेंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आपको एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है फिटनेस में, राइट, आपके माइंड में एक पिक्चर है, या आपका बहुत फैट है तो शेड करना चाहते हैं, या आप बहुत पतले हैं, आप मसल गेन करना चाहते हैं, वट एवर द एम इज, ठीक है, इररिस्पेक्टिव वो मैन वुमेन कोई भी हो, उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, पेशेंस और टाइम चाहिए. पेशेंस और टाइम, इसका मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ. आप मेरी वेबसाइट पर जाना bstopper.com पे, ठीक है, उसमें बिफोर आफ्टर की पिक्स देखना, बहुत सारी पिक्स हैं, उसमें से एक भी ऐसी पिक नहीं है जो मैंने बोला इस तरह मुझे चाहिए. क्लाइंट ने मुझे जैसी बिफोर उसने अपने कैमरे से कैसी भी खींची, वो धुंधली है, अजीब है, लाइट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है. उसने जैसी मुझे बिफोर पिक भेजी मैंने वैसी लगाई, उसके बाद जैसी उन्होंने मुझे आफ्टर पिक भेजी मैंने वही आफ्टर की वैसी पिक लगाई. कोई फोटोशॉप नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई उसमें कलर इफेक्ट्स नहीं, कुछ नहीं. और अगर आप देखोगे तो हर एक क्लाइंट का रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट है, हर एक क्लाइंट का रिजल्ट डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि मल्टीपल सिचुएशंस आती हैं, मल्टीपल कंडीशंस आती हैं कि कौन सा इंसान जो है उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कितना फॉलो कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, क्या कोई फैमिली स्ट्रेसेस हैं, क्या कोई वर्क स्ट्रेसेस हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, उसको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, उसकी स्टेज क्या है, क्या वो बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस लेवल पे है, राइट. तो बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, इसीलिए हर इंसान बिल्कुल डिफरेंट रिएक्ट करता है प्रोग्राम में.
आप उनको डिफरेंट प्रोग्राम दे, सिमिलर प्रोग्राम दे, हर बंदा डिफरेंट रिएक्ट करेगा, हर एक के चेंजेस डिफरेंट आएंगे। इसलिए जो जिन वेबसाइट पे ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना कि 50 फोटोज लगी हैं, 50 के 50 मोटे और 3-4 महीने के तो रिप्ड बिल्कुल बिल्कुल ऐसे टू द मतलब बोन में बिल्कुल 4-5-6% 7% नेचुरल जो बॉडी फैट परसेंट लो हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ या तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक्सट्रीम से हो रहा है या फिर एक्सट्रीम स्टारवेशन डाइट से हो रहा है, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। लोग लिटरली सिर्फ फोटो लेने के लिए बिफोर आफ्टर में उनका नमक छुड़वाना, पानी छुड़वाना, ये तरीके अप्लाई कर रहे हैं। और इनको कौन देख रहा है? इनको देख रहे हैं बाकी लोग जिनको पता नहीं है फिटनेस कंसेप्ट, ठीक है, और वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद ना इमीडिएटली जो मेरी जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पे पूरी इंडिया की सबसे बड़ी सीरीज़ बनाई थी उसको दोबारा जाके देखना, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सीरीज़ में मैंने सारा कुछ बताया है कि किस तरह आपको चीज़ों को समझना है, किस तरह आपको ऑब्जर्व करना है और कैसे आप पहचान सकते हैं रियल और फेक ट्रांसफॉर्मेशन। सो प्लीज़ गाइस उस वीडियो को, सीरीज़ को ज़रूर देखना। इसलिए अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी फील्ड हो दुनिया में, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बहुत बाद में आता है। अगर स्मार्ट वर्क नहीं भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हार्ड वर्क इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। और जब आप इतना हार्ड वर्क कर लोगे ना तो अपने आप स्मार्ट वर्क हो जाएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा चीज़ों को सिंपल कैसे करना है, आपको कोई अलग से तरीके सीखनी नहीं पड़ेंगी स्मार्ट वर्क की। दिस इज द रियल स्मार्ट वर्क, जो आपको अंदर से चीज़ों को इतनी डेप्थ नॉलेज हो चुकी है कि आपको अपने आप समझ में आकर सिंपल कैसे करना है कॉम्प्लिकेटेड स्टफ को, जिसे हम मास्टरी कहते हैं। और मास्टरी किसी भी चीज़ में डिकेड्स लेती है, ऐसे मास्टरी नहीं हो जाती किसी सब्जेक्ट में, राइट? इसीलिए गाइज अगेन फिटनेस में बता रहा हूँ, जितने भी यंगस्टर्स है किसी भी फील्ड में, स्पेशली फिटनेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है प्राइमरीली, तो उसमें जो ये लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, डू नॉट डू इट, कोई स्मार्ट वर्क नहीं है। महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे, पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस, डेडिकेशन, सिर्फ पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो फिर तो बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत बैठे हैं। मेरे पे यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी करनी है मुझे, आप लोगों को रियलिटी बतानी है। आप नहीं एक्सेप्ट करते, ट्राई, कुछ टाइम बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। कई लोगों को गिर के सीखने का शौक होता है तो गिरिए, ठीक है, मैं गिर चुका हूँ, मैं लोगों को गिरते हुए देखा है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप मत गिरना, राइट? लेकिन अगर फिर भी गिर के सीखना है टोटली अप टू यू, वो आपकी लाइफ है। लेकिन फिर बता रहा हूँ गाइस, इस वर्ड स्मार्ट वर्क को अपनी लाइफ से पहले निकालो और अपना 100%, मैं 100% बोल रहा हूँ, 99 नहीं, 100% फोकस जो है वो हार्ड वर्क पे दो, मैसिव हार्ड वर्क पे। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देर इज नो शॉर्टकट इन एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज़ जो वर्थ वाइल है अचीव करने की उसमें शॉर्टकट नहीं होता। अगर ऐसे स्मार्ट वर्क से रिजल्ट आते तो आज सारे करोड़पति होते, आज सारे के सारे टॉपर होते, आज सारे वर्ल्ड चैंपियन होते, आज सबकी रिप्ड फिजिक होती, सब सुपर फिट होते। ऐसा हुआ? ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता, ना हुआ है और ना कभी होगा, राइट? बिकॉज ह्यूमन बॉडी अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही बनी है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ऑल राइट गाइज, सो आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा, और अब आप हार्ड वर्क पे फोकस करेंगे, पेशेंस रखेंगे, ठीक है, टाइम देंगे अपने को किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। ऑल राइट गाइज, सो एंजॉय योर डे, टेक केयर, बाय।